गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी थोड़ा सा बड़े भैया के घर पे आई थी थोड़ा काम से। ये देखिए यहाँ पे हिबिस्कस जैसा कुछ फ्लावर देखा, मुझे इतना अच्छा लगा तो वीडियो बनाना ही पड़ा। आप लोग को और भी फूल दिखाएंगे, भैया के घर में कुछ कुछ फ्लावर है और ये देखने में भी हिबिस्कस जैसे है। ये देखिए ये जंगली फ्लावर है, मतलब जंगली पौधा है ये, एकदम से वाइल्ड वाला। तो ये सुंदर हो रखा है, तो उन लोगों ने काटा नहीं तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना दूँ। और यहाँ पे अरालिया है एकदम बड़ा वाला हाइब्रिड जैसा, और साइड में हिबिस्कस पपीता बहुत सारा लगा है। तो धीरे धीरे देखते जाइए। और जरा देखिए भाभी के घर में कितना सुंदर हो रखा है, बड़े भैया के घर में, मेरा ताऊ का बड़े बेटा का घर है ये। ये देखिए कितना सुंदर हो रखा है, बाप रे कितना गुच्छे गुच्छे में खिला है, वाओ ब्यूटीफुल। और यहाँ पे मेरे भतीजी का फ्लावर, वो तो बेंगलोर में है, घर पे नहीं है। ये देखिए पर्पल हार्ट में फ्लावर दे रहे हैं सुंदर से, ये देखो वाओ। यहाँ पे ऑक्सालिस वगैरह है, ये देखिए बहुत सारा है। ये मनी प्लांट मैंने छोटा सा दिया है उसको, इतना बड़ा लंबा होके पूरा मिट्टी विट्टी में इधर उधर फैल गया है। और ये देखिए मिली, ये भी उसने उसकी बुआ के पास से छोटा सा दंडी लाए थे, छोटी दीदी के पास से, कितना सारा हो गया है। और ये कैलेडियम देखिए, ये और बातचीत ना लो कमर पे खबर, कितना सुंदर पत्ता है। ये छोटा भैया के पास से लाया था ये, तो सब इतना ग्रो हो गया है, अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए ये दोपहर के 9-10 बजने के बाद फूल खिल जाएगा सुंदर सुंदर से, कितना सुंदर लग रहा है। वाह ये भी, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया इसका बल्ब। ये देखिए यहाँ पे सीडम कितना हेल्दी हेल्दी हो रखा है, पपिया का सीडम। ये देखो फूल मालिक घर पे है नहीं यहाँ पे, ये मैंने स्नेक प्लांट उसको फर्स्ट टाइम दिया था ये वाला, यहाँ से उसने बहुत सारा ग्रो किया है। यहाँ पे तो बेबी प्लांट आया ही है, ये जो काटा हुआ उसने बोला था कि ये बचेगा क्या, तो लगाने के बाद ये वाला आया। और इसके बाद दूसरा दिखाती हूँ, अभी दूसरा स्नेक प्लांट उधर है। ये देखिए ये जीजी प्लांट, ये भी मैंने उसको दिया था, मैं शादी के बाद सबको दे दिया इधर उधर करके, मेरे भतीजी को भाभी को सबको दिया है। ये देखिए वो स्नेक प्लांट का ये दूसरा प्लांट है, यहाँ पे उसने लगा दिया तो बहुत सारा हो गया और फ्लावर भी आया है। ये देखिए नॉर्मल जो फ्लावर आता है ना स्नेक प्लांट में, ऐसे ही इसको भी आता है, मतलब इसमें भी आता है ना, सुंदर सा प्यारा सा। पापू नहीं खुमरौना दी को तो मांग तो पैसा, ये भी मैंने पापिया को दिया था, बहुत सारा ग्रो हो रखा है। ये देखो यहाँ पे स्नेक प्लांट भी बेबी प्लांट आके बड़ा हो गया है पत्ता, और मदर प्लांट बाहर की तरफ है। ये देखिए क्या हो रखा है, इसको भी रिपोर्ट करने का टाइम हो गया है, सब ऐसे ही रखा है। पापिया का फूल थोड़ा रिपोर्ट करके जाती हूँ मैं, ये देखो सुंदर सुंदर करके जाएंगे, आप लोग को बाद में दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने एग्लोनिमा सारा रिपोर्ट कर दिया है, 2 पॉट में था, अभी कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पॉट हो गया एग्लोनिमा। और ये स्नो वाइट तो 2 है, यहाँ पे 1 है, और पंछी वगैरह ये देखिए यहाँ पे कपल है, कपल इधर भी है। ये जो स्नेक प्लांट थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, इसको रिपोर्ट करेंगे मैं अभी, इसको सारा ही इसमें डाल देंगे बड़ा वाला पॉट में। ये देखिए मैंने सारा लगा दिया है यहाँ पे, स्नेक प्लांट लगा दिया, ये क्रिसमस केक का सब खाना दे दिया है, ये स्ट्रॉबेरी भी लगा दिया है, सब खत्म हो गया है। ये देखिए और यहाँ पे सुअर देखिए कितना बड़ा है, भाभी का सुअर इसको देख के मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों कि आप लोग को दिखाने को मन कर गया। ये देखिए साइकस के ऊपर कैसे घर बनाया है मकरियों ने, इतना सुंदर बनाया है, मैं देखते ही रह गया और भाभी मुझे हंस रही है देख के। ये स्पाइडरों का शहर बन गया है, पूरा दुबई शहर है ये, बाप रे कितना सुंदर लग रहा है। ये पागल लोग, ये देखो मेरा ग्रुप है, ये लोग मेरे साथ जाने के लिए आया है, मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, जंगल जंगल रास्ता से मार्केट रोड जा रही हूँ। सुबह जब से फूल लगा के आया है तब से
तबीयत खराब से होने लगे, सोने लग गया मैं। अभी शाम को जाके घर से निकले शाम चौंग लहिंता है। अभी वीडियो अपलोड करने के बाद ताऊ जी की इधर में हवा महल में बैठे है, सारे घर के रिश्तेदार आ रहे हैं धीरे धीरे। मेरी बुआ जी भी आ गई है, मेरी एक की बुआ है, मेरी बुआ और छोटी बहन आई है। तो आज वीडियो बनाओगे कि नहीं पता नहीं, आप लोग को धीरे धीरे दिखाएंगे हम लोग क्या क्या कर रही है। बहुत सारा काम तो है अभी। अभी वीडियो अपलोड करने के बाद ताऊ जी की इधर में हवा महल में बैठे है, सारे घर के रिश्तेदार आ रहे हैं धीरे धीरे। मेरी बुआ जी भी आ गई है, मेरी एक की बुआ है, मेरी बुआ और छोटी बहन आई है। तो आज वीडियो बनाओगे कि नहीं पता नहीं, आप लोग को धीरे धीरे दिखाएंगे हम लोग क्या क्या कर रही है। बहुत सारा काम तो है अभी। शाम के टाइम में गांव के सारे औरतें भी आ गया है। तो यहाँ पे स्टिकी राइस भिगो के, यहाँ पे जो कल पत्ता धोए थे ना आप लोगों को मैं दिखाया था, उसी में ये डाल के इसको बॉईल करेगा, फिर रात के दिन ये हम लोग खाएंगे सब मिलके। तो आप लोग को दिखाएंगे धीरे धीरे। ये है मेरी बुआ का छोटी बेटी, तो सबको चाय वाय दे रही है, जो भी लोग नया नया आ रहे हैं काम करने के लिए गाँव वाले के लिए। और ये है सूखा वाला सब्जी, यहाँ पर अदरक का पत्ता, बीन्स का छिलका, ये सब बहुत सारा जो भी सूखा चीज़ें है यहाँ पे है, कद्दू का छिलका, ये सब है। तो हम लोग का शादी में और श्राद्ध वगैरह में ये सब बनता है, इसके बिना होता ही नहीं है। तो ये रात भर भिगोते हैं, इसके बाद कल ड्राई फिश वगैरह के साथ सब बनेगा। ये घर के अंदर दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे दीदी बुआ सब लोग है और गाँव की औरतें हैं। यहाँ पे आलू वालू छील रहे हैं, करेला काट रहे हैं। गांव के सारे औरतें आते हैं एक दिन पहले ही, तो सारे ऐसे काम करते हैं मिलजुल के हम लोग। ये देखिए सारे काम पे लगे हुए हैं। मेरी दीदी लोग आया है, अभी तो सारा ग्रुप ज़्यादा हो गया है। ये देखो भाभी भी आई है, मेरे भतीजी भी आए हैं, कितना सारा बना देखो तो, भरने वाला है, कहाँ भरने वाला, आधा भी नहीं हुआ, जल्दी करो। ए बुरा। और यहाँ पे दूसरा ग्रुप है चटनी बनाने के लिए, एलिफेंट फ्रूट्स काट रहे हैं, ये देखिए। और छोटी दीदी भी आ गई है, मेरे ताऊ जी का छोटी वाली बेटी है ये। दीदी का एक हाथ का दोनों हड्डी टूटा हुआ, मैंने कुछ दिन जो पहले बोला था ना, वही दीदी है ये, छोटी वाली दीदी। और यहाँ पे मछली फ्राई हो गया है कल के लिए, ये देखिए यहाँ पे और भी फ्राई हो रही है। और यहाँ पे दूसरा अटेम्प है, मतलब कि जो लास्ट में स्टिकी राइस आया उसको भिगो के, दूसरा दीदी लोग आया है दूसरा गांव से, वो लोग सब मिलके यहाँ पे काम कर रही है, ये देखिए। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है, इसके बाद थोड़ी देर में ही ये बॉयल भी हो जाएगा और पक भी जाएगा सब आज ही रात को, तो आप लोग को वो भी दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा बड़ा वाला हांडी में बनाया है, और यहाँ पे पक भी गया है, तो इसको निकाल भी रहे हैं पानी से, गरम गरम है एकदम। और यहाँ पे है आलू का वैरायटी, ये देखिए गोला वाला आलू और सफ़ेद वाला, और ये मिट्टी के अंदर का आलू है, ये सब भी आज रात को ही बॉयल होगा, तो आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए ये भी बड़ा सा बर्तन में पूरा बॉयल होने के लिए रेडी हो गया है। और ये है हम लोग का आज का लास्ट काम, ये पिठाली बनाना, ये भी सब गांव की औरतें ही मिलके काम कर रहे हैं। रात के सारे 12 बज चुके हैं और कीर्तन भी आ गया है, तो कीर्तन भी आप लोग को दिखा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए सब भाभी लोग फ्राई कर रहे हैं। और ये है कीर्तन पार्टी, जो कि श्राद्ध के एक दिन पहले आते हैं, तो गाना वाना गाते हैं, वो लोग नाचते हैं, तो हम भी थोड़ा सा देख के जाएंगे। तो इसी के साथ आज को ब्लॉग एंडिंग करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। रात की बज गया है 1, तो आप सबको गुड नाइट।